से फूल हट तकरीबन 13वीं सदी ईस्वी में तामीर की गई थी और तकरीबन 650 साल की पुरानी मस्जिद है। फूल हट के हवाले से ये है कि इसमें के साथ एक दुकान थी जिसे पहले उस ज़माने में हट्टी कहा करते थे, तो वहाँ वो फूलों की दुकान थी और उन फूलों की वजह से सारी मस्जिद जो है फूलों की खुशबू से मुअत्तर रहती थी, इसलिए ज़्यादातर लोगों ने इस मस्जिद का नाम फूल हट जो है वो मशहूर हो गया और आज तक उस मस्जिद का नाम फूल हट मशहूर है। यहाँ पहले जो मार्केट हुआ करती थी फूलों की, तो उस वजह से इसका नाम फूल हट रखा गया और मशहूर है आज के दौर में ये जामा मस्जिद चिश्तिया सावरिया फूल हट चौक बाज़ार में। तो चिश्तिया सावरिया की नस्बत इन्होंने पीर रशीद अहमद चिश्ती साहब यहाँ उन्होंने कमोपेश 36 साल खिदमात के सर अंजाम दिए हैं, जो कि बाबा फरीद की औलाद थी। उन्होंने यहाँ अपने लोगों का एक काफ़ी हलका बनाया, उनके मुरीदीन भी हैं यहाँ, तो उन्होंने इस मस्जिद की खिदमत काफ़ी अरसा की है जिसकी वजह से इसका नाम चिश्तिया सावरिया फूल हट रखा गया। फूल हट फूलों की नस्बत से रखा गया, चिश्तिया सावरिया वो एक चिश्ती सिलसिले से थे, तो इसकी वजह से इसका नाम चिश्तिया सावरिया फूल हट चौक बाज़ार रखा गया। मस्जिद के बाहर फूलों की दुकान थी, बहुत बड़ी दुकान थी और उसके फूलों ताज़ा फूलों की और उसकी खुशबू से पूरी मस्जिद मुअत्तर रहती थी और मस्जिद के अंदर से हर वक्त फूलों की खुशबू आती रहती थी। मस्जिद के सेन में जो फर्श लगाया गया है मार्बल का, उसकी खूबी यह है कि वो गर्मियों में ठंडा हो जाता है और सर्दियों में वो इतनी सर्दी महसूस नहीं होती, वो उसमें गर्मी का एहसास होता है। जैसे आम फर्श ठंडे हो जाते हैं उस तरह ये ठंडा नहीं होता। इस हवाले से ये बहुत मस्जिद अहम है कि एक तो इसके अंदर से उस फूलों की खुशबू आती थी, दूसरा इसका पत्थर ऐसा था कि इसमें ना तो चलते हुए गर्मी लगती थी और ना सर्दी लगती थी। जामा मस्जिद फूल हट चिश्तिया सावरिया चौक बाज़ार हुस्न में अल्हम्दुलिल्लाह एक अपना नाम रखती है। इस मस्जिद की तारीख जो है ना, मुल्तान बनने से पहले की तारीख है। इसमें बड़े बड़े बुज़ुर्ग यहाँ इमामत के सर अंजाम दिए हैं बुज़ुर्गों ने, जिसमें चंद एक जो नाम मेरे इल्म में हैं वो एक हज़रत अल्लामा हाफिज अब्दुल अज़ीज़ पीर हारवी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत ही हमारी जमात अहले सुन्नत के बड़े आलिम दीन गुजरे हैं, जो कि हज़रत हाफिज जमालुल्लाह मुल्तानी के शागिर्द थे। उन्होंने भी यहाँ इमामत के सर अंजाम दिए हैं और उनके बाद आले गंज शकर हज़रत अल्लामा मौलाना पीर रशीद अहमद चिश्ती फारूकी साहब ने भी यहाँ कमोपेश 36-38 साल इस इमामत के सर अंजाम दिए हैं। इस मस्जिद में एक ख़ास ये चीज़ देखी जाती है कि एक रूहानियत मयसर होती है लोगों को, क्योंकि इस मस्जिद की नस्बत बुज़ुर्गों के साथ है। यहाँ बड़े बड़े बुज़ुर्गों ने इमामत के सरंजाम दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद की बड़ी रूहानियत बुज़ुर्गों की नस्बत से मशहूर मारूफ है। तो ये मुल्तान का एक दिल है। मुल्तान में जो मसाजिद हैं तो उन मसाजिदों में अल्हम्दुलिल्लाह ये अपना एक नाम रखती है। तो चौक बाज़ार की ये एक अजीम मस्जिद है, तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो भी नमाजी आता है तो उसकी ज़ुबान पे यही नाम होता है कि हमें सुकून हासिल होता है फूल हट मस्जिद में जाके नमाज अदा करने से। तो हम यहाँ खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह ताला हमारी खिदमत कबूल फरमाए।